हमारे साथ हैं कालावाली के विधायक सरदार बलकौर सिंह जी। आज हम उनसे विशेष रूप पर चर्चा करेंगे अकाली भाजपा के संबंधों पर, क्योंकि आज अकाली दल ने बाकायदा तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में समर्थन देने की घोषणा की है। और जिस प्रतिनिधि मंडल ने आज मुख्यमंत्री से नरवाना में मिलकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की, वह अकाली दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बलविंदर सिंह भुंदर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी से मिला। उस प्रतिनिधि मंडल में श्री बलकौर सिंह जी उनके साथ थे, उन्होंने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। आज हम जानेंगे भी अचानक अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी को क्यों समर्थन किया, क्योंकि अकाली दल के संबंध में ऐसा कहा जा रहा था कि वह हरियाणा में अपने स्तर पर चुनाव लड़ेगा। सरदार बलकौर सिंह जी, आपका स्वागत है। ऐसा क्या हुआ, अकाली दल कह रहा था भी हम अपने स्तर पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज अचानक ये समाचार आया कि आपके दल ने भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में समर्थन करने का निर्णय लिया है? श्रोमणी अकाली दल का भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, और ये हरियाणा में नहीं, पंजाब में नहीं, सारे देश में इनका एक बहुत बढ़िया इनका लेंस है। तो ये सारी बातें सोचकर सरदार सुखबीर सिंह जी बादल प्रधान श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के प्रधान राष्ट्रीय प्रधान श्री अमित शाह जी ने ये फैसला किया है कि क्यों ना हम हरियाणा में भी इकट्ठे हुए, और इसी में प्रदेश का भी भला है और दोनों पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी तो बहुत बढ़िया मैसेज भी जाएगा, समाज के लोग और पार्टी के लोग एक साथ आए। तो ये दोनों नेताओं ने ये फैसला किया कि हम हरियाणा में भी, सारे देश में ये मैसेज देने के लिए कि हम हरियाणा में भी इकट्ठे चुनाव लड़े। बलकौर सिंह जी, कितना समर्थन आप क्या सोचते हैं, भी कितनी सीटों पे असर डालेगा अकाली दल का जो समर्थन है भारतीय जनता पार्टी? देखो, वैसे तो पंजाबी वोटर बहुत हैं हरियाणा में, तो श्रोमणी अकाली दल का क्योंकि काफ़ी समय से ये पंजाब से अलग हुआ है, एक प्रदेश है, तो सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल समय समय पर ये हरियाणा के लोगों को जो भी सुविधा दे पाते थे और जो पार्टी के नेतृत्व में वो जो भी लोग शामिल हैं उनको जो भी ड्यूटी देते थे वो बढ़िया निभाते रहे हैं, और अच्छा नेतृत्व हरियाणा में श्रोमणी अकाली दल का है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जैसे सरसा है और कैथल है, कुरुक्षेत्र है, अम्बाला है, करनाल है, मैं तो ये कहता हूँ यहाँ फरीदाबाद में भी हमारी 60-70 हज़ार वोटें हैं, वर्कर हैं, हमारे साथी हैं जो श्रोमणी अकाली दल के साथ भी जुड़े हैं, और बढ़िया जो लोग श्रोमणी अकाली दल में शामिल प्रदर्शन करते हैं, तो इन 4-5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो बढ़िया इनका मैसेज जाएगा, तो बीजेपी को भी इसका फायदा होगा। नहीं, वो बलकौर सिंह जी, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि लगभग 6% जो मत हैं वो जट सिख, अरोड़ा सिख व सिख समुदाय के हरियाणा में सीधे तौर पे 6% मत ऐसे हैं जिनका प्रभाव अकाली दल का उन पे प्रभाव है। उसके अतिरिक्त भी, क्योंकि एक संदेश भी जाता है उसका असर पड़ेगा, लेकिन अकाली दल ने दो, जैसे कि आप भी उन मीटिंगों में थे, एक पिपली में और एक सिरसा में जनसभा करके उस समय उन्होंने यह कहा था कि वो अपने स्तर पे लड़ेंगे, और अब तक ये भी देखा गया है कि अकाली दल जो है वो इनेलो का समर्थन करता आया है। जैसे पिछली बार आप इनेलो और अकाली दल के उम्मीदवार के रूप में कालावाल से चुनाव लड़े थे, और निश्चित रूप से इस बार जो इनेलो का आपस में विभाजन हुआ है और बादल परिवार का इनेलो से भी पुराना रिश्ता है और भारतीय जनता पार्टी से भी लगभग 40 साल से उनका रिश्ता है, और इसका असर पड़ेगा। लेकिन मेरा ये मानना है, क्या अकाली दल ने ये अचानक इसलिए नहीं किया क्योंकि पंजाब में वो कमज़ोर नज़र आ रही है? नहीं, ये बात नहीं है भाटिया जी, ये ऐसे है क्योंकि
आप कहते हो कि ये सिख मत है, नहीं ये ऐसे है कि जो पंजाबी लोग हैं, चाहे धर्म कोई भी हो, सिख हो, हिंदू हो या किसी भी धर्म से जुड़े हों, वो श्रोमणी अकाली दल के साथ हैं जो पंजाबी लोग हैं। तो जैसे आप कहते हो कि इंडियन नेशनल लोक दल के साथ इनका गहरा रिश्ता था, इनकी पार्टी के साथ, इंडियन नेशनल लोक के साथ श्रोमणी अकाली दल ने इलेक्शन भी लड़ा है और जीत भी हासिल की है एक सीट पर, तो ये एक परिवार विभाजन हो गया, तो बादल साहब ने सोचा कि हम एक पार्टी है, परिवार की अलग बात है, पार्टी की अलग बात है, तो पार्टी को कहाँ लेके जाएं। तो सबसे बढ़िया यही सलूशन शायद उन्होंने निकाला कि हम जो देश में एक लाइन बन जाए श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी की, कि सारे देश में ये ना मैसेज जाए भी हरियाणा में कुछ और हो रहा है, दिल्ली में कुछ और हो रहा है, पंजाब में कुछ और हो रहा है, इस लाइन को सीधा करने के लिए उन्होंने ये बीजेपी के साथ समर्थन किया है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल की सारे देश में एक बहुत बड़ा, आपका ये कहना है भारतीय जनता पार्टी व अकाली दल के बीच का जो ये गठबंधन है वो पहले पंजाब में था और दिल्ली में भी था, मनजिंदर सिंह सिरसा अकाली दल से संबंधित है और वो वहाँ से भाजपा के विधायक हैं, तो दिल्ली में भी पहले अकाली दल और भाजपा का समर्थन था और अब हरियाणा में भी है और राजस्थान का भी कुछ इलाका ऐसा है और तराई का भी इलाका ऐसा है और इवन कि महाराष्ट्र से लेकर और पूरे देश में जो अकाली दल के कुछ समर्थक हैं उसका निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। तो ये मैं आपसे फिर कन्फर्म करना चाहूँगा, क्या ये समर्थन पूरे देश में है या केवल पंजाब हरियाणा और दिल्ली तक सीमित? देखो ये तो आगे की रणनीति है, जैसे अब हरियाणा में हो गया है तो मेरे को लगता है कि ये देखो प्रधान साहब के अधिकार में है, तो जैसे आप ये स्टेटें आपने गिनी हैं तो ये राजस्थान भी साथ लगता है, पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र है जो वो उनमें भी कर सकते हैं, परंतु तो ये आगे की बात है। अब जो बात हुई है वो हरियाणा की हुई है, आगे जो प्रधान साहब अच्छा सोचेंगे जो कर सकते हैं वो आगे की बात है। तो आप और अकाली दल की ओर से हरियाणा के भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया जाएगा? हाँ, ये अब अलायंस हो गया है, पार्टी का आदेश है कि जहाँ जहाँ भी हमारा श्रोमणी अकाली दल का प्रभाव है, जहाँ जहाँ भी हम जा सकते हैं, हमारे वोटर सपोर्टर हैं या हमारे वर्कर हैं श्रोमणी अकाली दल के अहदेदार हैं, वहाँ हम जाएंगे, उनको बीजेपी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही, सरदार बलकौर सिंह जी चाहे ये कहें या ना कहें भी पूरे देश में अकाली और भाजपा का गठबंधन है, लेकिन मेरा यह अनुभव कहता है हरियाणा को छोड़ के पहले, क्योंकि अकाली दल का इनेलो के साथ एक पारिवारिक रिश्ता था, इस कारण से वो अनेक बार इनेलो का समर्थन करते थे, लेकिन अब जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को अकाली दल ने समर्थन दिया है तो पूरे देश में जहाँ भी पंजाबी समुदाय के लोग बैठे हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी को अकाली दल का समर्थन होगा, विशेष करके पंजाब के साथ लगते राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के जितने भी इलाके हैं वहाँ अकाली दल खुले तौर पे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगा, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। लेकिन आज जो घोषणा हुई है वह हरियाणा में अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है। आज इतना ही, नमस्कार।